हम देखेंगे लुमिनियस एनएक्सटी 6 किलो वाट का यूपीएस, ये है इसका डिस्प्ले, देख लीजिए आप एक बार, ये है इसका डिस्प्ले, ठीक है, ये एनएक्सटी है, ये मेंस का इंडिकेशन है, ये जब मेन सीधे से बाईपास होके आएगा लोड पे तब ये चलेगा, अभी हमारे पास सोलर अवेलेबल है, सोलर पे है, सोलर से आउटपुट दे रहा है, ये बैटरी का है, अगर सोलर से कम आएगा तो बैटरी से आउटपुट देगा, ठीक है, जब तक सोलर है सोलर से आउटपुट मिलेगा ये नहीं चलेगा, अगर ये जल गया तो मीन ये सोलर से आउटपुट नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा, ये चल जाएगा, तब ठीक से डायरेक्ट बाईपास कर रहा है, ठीक है, कहाँ कनेक्शन देख लेते हैं लोग, में 24 बैटरी है, ठीक है ना, तो आपको अगर कुछ डाउट है, देखिए हमारा कनेक्शन है सब डीवी आया, डीवी से ये एबीबी का डीसी एमसीबी है, ये डीसी एमसीबी ऐसी नहीं डीसी, हाँ फिर दिख रहा होगा डीसी एमसीबी 63 एमबी है, ये डीसी एमसीबी ऐसी नहीं सोलर पे यूज़ किया है, यूज़ किया है डीसी एमसीबी, आप अगर बोलेंगे सोलर पे हम एसीबीसीबी क्यों नहीं यूज़ करेंगे, तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं अलग से एसी एंड डीसी एमसीबी का डिफरेंस बताऊंगा क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, ये एसी एमसीबी इनपुट आउटपुट के लिए है, एसी एमसीबी ये डीसी एमसीबी है एबीबी, ठीक है, हाँ देख लीजिए 6 square mm से हम लोग लाए इसका कनेक्शन, 6 square mm है ये, ठीक है ना, डबल कोर फिनोलेक्स का, मेरे हमारे जो सोलर केबल अवेलेबल होता नहीं है इसके लिए हम ये किए, देखिए बैटरी पे ये बैग्स लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बैटरी पे रस्टिंग आ सकता है, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड आ सकता है तो प्रॉब्लम होता है बैटरी के, इसलिए हमने ये जेल लगाया, तो किसी भी बैटरी दुकान में मिल जाएगा ये जेल, ठीक है, ये देखिए हमारा मैसिमो का बैटरी है, ये हम लोग ओन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैसिमो बैटरी, देख सकते हैं मैसिमो बैटरी, देख सकते हैं लगा हुआ है 24 बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए पानी का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर ऊपर रहेगा रेड तब पानी का लेवल बराबर है, ये जैसे ही नीचे चला जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पानी कम होता जाएगा ना ये ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर एक टाइम पे दिखाई नहीं देगा, तब पानी आपको डालना है, ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं मुझे।